हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। हमने पिछली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा था, और उसमें दर निकालना मैंने आपको सिखाया था कि 2 साल का हो तो अगर मूलधन और आपको मिश्रधन दे रखा हो, प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा हो, तो किस तरीके से दर निकाली जाती है। चाहे 2 साल का टाइम हो तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 3 साल का हो तो क्यूब रूट लेते हैं, वर्गमूल और घनमूल ले लेते हैं, 4 साल का हो तो 1/4 पावर कर देते हैं, 5 साल हो तो 1/5 कर देते हैं। इस तरीके से मैंने आपको दर निकालनी सिखाई। अब उसी दर का आगे किस तरीके से यूज करना है, तो किस तरीके के क्वेश्चन में यूज करना है वो आप देखिए। तो सीधी सीधी दर निकालने तो हम समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ ना। और जिनको नहीं आई वो एक बार पिछला लेक्चर देख लें, वैसे तो लिंक नहीं है बट फिर भी काम आएगा। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4,500 एंड ₹6,750 इन 10 ईयर्स, फाइंड द मेजर बोथ। पहला क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कोई निश्चित धन 5 वर्ष में ₹45 हो जाता है और 10 वर्ष में ₹67,50 हो जाता है, तो उसका मूलधन क्या है? कोई मूलधन पी है, मैंने मान लिया। क्या मान लिया? मूलधन मूलधन पी है। पी मूलधन ₹4,500 हो गया कितने साल में? कितने साल में? 5 साल में, है ना। कोई मूलधन पी है वो 5 साल में ₹4,500 हो गए। और बोला यही मूलधन 10 साल कितना हो गया? ₹67,50। ध्यान देना, ये मूलधन 5 साल में, ये है ₹4,500, यही मूलधन 10 साल में। तो यहां से 10 साल है, तो यहां से यहां तो 5 ही साल हो गया, यहां से यहां तो 5 ही साल हो गया। हाँ यार, मैंने बोला ये मूलधन 5 साल में 45 हो गया, यही मूलधन 5 साल में 67,50 मिश्रधन बन गया। तो यहां से यहां तो क्या बोलते हैं, 5 ही साल हुए ना। यहां से अगर 10 साल है, यहां से यहां 5 साल है, यहां से 10 साल, तो ये 5 साल का ही अंतर है, 5 साल का ही अंतर है। और अब देखो एक खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूँ आपको। कुछ लोग सोचेंगे सर इसको, ये आपका आपका मिश्रधन बन रहा है 5 साल के बाद, ये मिश्रधन बन रहा है 10 साल के बाद। सर ये मूलधन मान लें, ये आपका मिश्रधन मान के 5 साल का 1/5 करें, फिर दर निकालें, वापसी फिर दें, कर सकते हो, लेकिन लॉन्गर मेथड है, कोई मतलब नहीं है। मैं इसका बहुत ही प्यारा मेथड आपको बताऊंगा। देखो एक गौर करने वाली बात, यहाँ पर भी 5 साल है, यहाँ पर भी 5 साल है। यहाँ पर ये समझो ये मूलधन 5 साल में 4,500 बना, ये 4,500 से क्या बना है? 67,50 बना है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अनुपात कितने का हो रहा है? 67,50/4,500 ये हो रहा है, ठीक है। ये 0,0 कट गया, और ये अब किससे कट जाएगा? आपका 25 से कट जाएगा क्या? 25 दूनी, अगर मैं आपका 25 से काटूं तो 25 दूनी 50, 17 और 75, तो 25 आता है 175। 25 से कट गया, और ये 25 से काटो तो 25 एकम 25 20, 225 आ जाए 200, और ये 3/2 आ गया। मैंने दोनों को काट लिया, मैंने अनुपात ले लिया, इनका क्या अनुपात है? 3/2। अब गौर करने वाली बात देखो, यहाँ पे 5 5 साल है और यहाँ पे 3/2 गुना है इस मूलधन का, इस मूलधन का, ये मूलधन माना ना अगले वाले के लिए मूलधन, तो इस मूलधन का ये 3/2 गुना है, 67,50 बनेगा, है ना। इस 4,500 का 3/2 करोगे तब 67,50 आएगा। और एक ख्याल करने वाली बात क्या है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमने पढ़ा है तो आपको, आप आराम से जानते, एक चीज जानते हो कि मान लो ₹100 पे पहले साल के लिए 10% का ब्याज लगा तो 110 हुआ। अब अगली तो 110 मतलब इसका कितना हो गया? 1.1 गुना हुआ ना, इसका 1.1 गुना हुआ ना। अब वैसे ही अगर ये 110 हुआ तो अगली बार 110 का ये अगली बार के लिए मूलधन बन जाएगा, और मूलधन बन जाएगा तो अब ये 110 का कितना परसेंट? 10%। और 110 का 10% आप फिर से निकालोगे तो ₹11 आएगा, तो 121, मतलब ये भी कितना गुना है? 1.1 गुना, 1.1 गुना है भाई। 100 का 1.1 गुना कितना हुआ? 10% के रेट से मैंने लिया तो 110, अब 110 का फिर से 10% तो 121, तो मतलब जितना गुना यहाँ पर है उतना ही गुना यहाँ पर है अगर वर्ष बराबर है। अगर वर्ष क्या है? बराबर है, तो यहाँ पर ये कितना गुना हुआ है पैसा? 3/2 गुना। कितना गुना हुआ है? 3/2 गुना। तो यहाँ पर कितने साल थे? 5 साल थे, तो यहाँ पर भी कितना हुआ होगा मेरे भाई? 3/2 गुना ही हुआ होगा। कितना गुना हुआ होगा? 3/2 गुना ही हुआ होगा। मुद्दे वाली बात इतनी है, कोई मूलधन 5 साल में 4,500 बन गया, वही 4,500 अगले 5 साल में, इस तरीके से समझते हैं, यही ₹4,500 अगले 5 साल में 67,50 बन गया। तो ये इसका कितना गुना हुआ? 4,500 कितना गुना? हमने देखा इनका अनुपात कितना आया? 3/2, कितना आया? 3/2। तो अगर ये 3/2 है तो यहाँ पर भी 3/2 ही रहा होगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में अगर समान वर्ष है तो बराबर गुना ही बढ़ता जाता है आगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ₹100 का 10% की ब्याज से पहले साल के बाद जो आपका मूल मिश्रधन बनेगा वो 110 बनेगा, फिर 110 का फिर से आप 10% निकालोगे तो 10% मतलब बोल सकता हूँ मैं 1.1 गुना, 1.1 गुना हर बार बढ़ता जा रहा है। तो वैसे यहाँ पे 3/2 तो यहाँ पर भी 3/2 ही रहा होगा। तो मुद्दे वाली बात यही है, अगर समय बराबर है तो इन दोनों का अनुपात ले लो, और जो अनुपात है वही अनुपात यहाँ पर रहेगा। फॉर्मूला में रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। पी गुणा 3/2 मतलब इसका 3/2 बराबर 45।
ट्रिक यही है बेटा, क्या है कि जो गुना इसका हुआ था वही गुना ये वाला भी होगा, 3/2, तो पी कितना आ जाएगा यहां से निकल के 4500 × 2/3, तो ये कितना हो गया 1500, और 1500 × 3 कितना हो गया आपका 3000 रुपए, मूलधन कितना रुपए निकल के आ गया 3000 रुपए। तो मुद्दे वाली बात क्या है, यहाँ पे 5 साल में कोई पैसा 4500 हो रहा, 10 साल में 6750 हो रहा, मतलब यहाँ से यहाँ 5 साल में बढ़ा, और कितना बढ़ा 3/2, मतलब ये अनुपात कितना हुआ 3/2, मतलब इसका 3/2 ये बन रहा है, तो अगर यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पर भी 3/2 ही रहा होगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज हर बार उतना ही गुना बढ़ता जाता है, समान वर्ष में उतना ही गुना बढ़ता जाता है। आपको एग्जाम्पल लेके देख भी सकते हैं उस चीज को, लेकिन ट्रिक रखने वाली बात बात में ये है कि इसमें इसमें क्या जरूरत नहीं पड़ी आपको, रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, तो सीधा गुना आपका जितना गुना ये था उतना गुना ये निकल आया बेटा। जैसा फर्स्ट वाला था ना वैसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखो पढ़ते हैं क्या करें, क्योंकि सडन सम ऑफ मनी अमाउंट्स ₹66,300 इन 10 इयर्स एंड ₹99,415 20 इयर्स फाइंड द प्रिंसिपल। कोई निश्चित धन 10 वर्ष में 66,300 रुपए हो जाता है, 20 वर्ष में 99,475 रुपए हो जाता है, मूलधन ज्ञात है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, एकदम वैसे सवाल है, कोई मूलधन है पी, वो 10 साल में कितना हो जाता है 66,300 हो जाता है, 66,000 कितना हो जाता है 300 हो जाता है, और वही पैसा 20 साल में, मतलब यही वाला मूलधन 20 साल में, मतलब यहाँ से 10 साल वही बात, अगर यहाँ से 20 साल है तो यहाँ से यहाँ 10 साल हो गए, तो यहाँ से यहाँ 10 साल ही बचेंगे, और 10 साल में कितना हो रहा है 99,450 रुपये, कोई पैसा था 10 साल में कितना हुआ 66,300 हो गया बेटा, और वही पैसा 20 साल में 99,450, मतलब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 10 साल में बढ़ा, तो कोई मूलधन 10 साल में 66,300 मिश्रधन देता है, ये मूलधन मान लेते हैं 10 साल के लिए, और ये कितना देता है 99,450 रुपये देता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, वही काम, देखो टाइम पीरियड दोनों के इसमें सेम था, जैसे इसमें भी सेम, उसमें देखो 10 इसका अनुपात निकाले थे, जितना गुना इसका हुआ होगा उतना गुना इसका भी हुआ होगा, ये कंसेप्ट हमने सीखा है, 99,450/66,300 00 कट गए, अब ये 9 9 4 5 3 से कट रहा है, मुझे दिख रहा है 3 से कट जाएगा, तो 33 33 और 1 5 है ना, और ये हो जाएगा 2 2 1 0, ठीक है, ये अनुपात आ गया, और भी कट सकता है कितना रख सकते हैं ना, अब ये अनुपात आ गया आपका, काटने को आगे काट सकते हैं उसको, लेकिन ऐसा रख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब मूलधन का इसका इतना गुना इसके बराबर, जैसा इसमें 3/2 गुना ये बन रहा था, तो 66,300 का 3315/2210 बराबर ये बन रहा, तो अब ये पी का 3315/2210 बराबर 66,300 बनेगा, आया ना भाई, इसका इतना गुना ये बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, तो अब ये देखो ये इससे पूरा पूरा कट रहा है, ये देखो 3315 का डबल है 6630, 3315 का डबल है 6630, तो ये 20 गुना हो गया है ना, 3315 का डबल होता है 33 का 15, देखो 6615 का डबल 30, पूरा पूरा अभी 2 गुना है, और ये 0 आ गया, और अब ये इसका इसको वजन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2210 × 20, तो कितना उत्तर आ जाएगा 4420 और 1 0, तो 44200 हो जाएगा, 44200 हो जाएगा, हाँ यार देखो एकदम वैसे सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, क्या 10 साल में कोई पैसा 66,300 होता है, और वही मूलधन से 20 साल में 99,450 होता है, तो हमने मुद्दे वाली चीज क्या सीखी है कि अगर समय बराबर है तो ये इसका जितना गुना हो रहा है उतना ही गुना ये भी हो रहा हो, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में वो बराबर बराबर गुना से बढ़ता है, अगर ये इसका अगर का पहले जैसे ये 1.5 गुना था, तो यहाँ पर भी 1.5 गुना ही रहा होगा, तो यहाँ पर ये इससे मूलधन ये मिश्रधन है, तो ये कितना गुना है, इतना गुना है 3315/2210, तो ये वाला मूलधन भी 3315/2210 ही बना के कितना बना होगा 66,300। बस सब क्या है, ये समय क्या होना चाहिए आपका बराबर, समय बराबर है, तो आप सीधा यूज कर सकते हैं, आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। आइए कुछ क्वेश्चन छोड़ दें, अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन हो रहा है, वैसा ही है बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स ₹2810 इन 10 इयर्स एंड ₹3500 इन 15 इयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द प्रिंसिपल। एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में 2800 रुपये हो जाती है, 15 वर्ष में 3500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या था। अब देखो क्या कह रहा है सवाल, वैसा ही सवाल अपना क्या कह रहा है, पी है प्रिंसिपल मान लिया, कितने साल बाद 10 साल बाद ये रुपए कितने हो जाएंगे आपके 2800 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2800, और 15 साल बाद यहाँ से 15 साल मतलब यहाँ से कितने साल 5 साल, यहाँ से कितने साल 5 साल, तो यहाँ से 10 साल बाद 2800 रुपये, और यहाँ से 15 साल मतलब यहाँ से 5 साल, मैं सीधा लिख रहा हूँ 5 साल बाद कितने रुपए हो गए 3500 रुपये हो गए।
अब आप देखें तो पहले क्वेश्चन में, पहले जो क्वेश्चन किए थे उनमें इसमें क्या अंतर है भाई, पहले समय बराबर था तो सर क्या कर रहे थे, इसका अनुपात ले रहे थे और जितना अनुपात हो रहा था उसके इसको गुना करके बराबर, क्योंकि जो गुना जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये होता था, लेकिन उसके लिए समय बराबर होता था। अब समय बराबर नहीं है तो भी देखिए, लेकिन यहाँ पर समय बराबर नहीं है, 10 साल है यहाँ पे समय है 5 साल। अब समझो तो 10 साल है तो भी देखो इसका मल्टीपल ही है, तो देखो कैसे यूज करेंगे, कितना समझदारी से यूज करेंगे भाई। 10 साल का मतलब क्या होता है, 5 साल प्लस 5 साल, हाँ या ना, 5 साल प्लस 5 साल है ना भाई, ये 5 साल है यहाँ पे 10 साल है, तो ये 5 साल प्लस 5 साल हो गया ना, और 5 साल में कितना गुना है, 5/4, 5 साल में 5/4, और अगली 5 साल में 5/4 प्लस नहीं हो जाएगा, तो सोचेंगे 5/4 प्लस 5/4, ये साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज है, तो पहले 5/4 गुणा 5/4, मैंने क्या बोला, 5 साल का मतलब 5/4 गुना हो, 2500 का 5/4 गुना हो, तो यहाँ पे 5 साल होता तो ये भी 5/4 गुना होता, लेकिन यहाँ पे कितना गुना है, यहाँ पे कितने साल है, 10 साल, तो 10 साल का मतलब 5 साल प्लस 5 साल, तो 5 साल प्लस 5 साल, तो पहले 5 साल में 5/4 गुना, और फिर जो 5/4 गुना उसका भी 5/4 गुना, यही होगा ना, जो मिश्रधन बनता है उसका भी 5/4 गुना, तो पहले ऐसे समझो ये मूलधन भी था, तो पहले 5 साल में इसका 5/4 गुना है ना, फिर उसका भी 5/4 गुना, यही मैं कहना चाह रहा हूं है ना, लगातार दो बार ऐसे दिमाग में ऐसे भी रह सकते हो, 10 साल है तो 2 बार 5/4, अब ये भी 15 साल होता तो 5/4 एक बार और आ जाता, 3 बार आ जाता, लेकिन गुणा ही होता 5/4, और ये पैसा कितने के बराबर होगा आपका, 2800 के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा आपका, 2800 के बराबर होगा, हाँ है ना, 2800 के बराबर होगा भाई, इस मूल यहाँ पर ये 5/4 गुना होगा, लेकिन यहाँ पर साल कितने थे, 5 ही थे मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ पर साल कितने, 10, तो 10 साल का मतलब क्या होता है, 5 साल प्लस 5 साल, एक कंसेप्ट समझो बेटा बहुत प्यारा है, 5 साल प्लस 5 साल, तो पहले 5 साल का 5/4 गुना, तो अगले 5 साल का भी 5/4 गुना, इससे गुना हो जाएगा, और यहाँ पे 15 साल का समय होता है, ख्याल करो आप 15 साल का समय होता है, तो 5/4 गुना 5/4 गुना 5/4, और इसका मतलब गुना क्यों हो रहा है, इसका मतलब भी मैं समझा रहा हूँ कि पहले मूलधन का पहले 5 साल में 5/4, फिर अगले 5 साल में उसका भी 5/4, और अब देखो मूलधन कितना निकल गया, 2800 को गुणा 100 लिख दो ऐसे 2800 को, और गुणा 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16/25 चौके 100, 16 चौके 64, 28 गुणा 64, और 8 चौके 72, और मतलब ये 2 इसका यूनिट डिजिट पे आ रहा है, तो 1752 हो गया, देखो यूनिट डिजिट ले लो, 8 चौके 32 तो 2 आ रहा है, और वैसे इसको गुणा करोगे 1792 रुपये आ जाएगा, तो मूलधन आपका निकल गया, आ गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो अब कईयों के माइंड में ये सवाल आता होगा कि सर आपने तो पिछले केस में टाइम बराबर था तब तो ले लिया, अगर टाइम बराबर नहीं है तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उसी तरीके से, बस उसी का मल्टीपल होना चाहिए, क्या था ये 5 साल है और ये क्या है आपका 10 साल है, यहाँ पर तो क्या किया, यहाँ से यहाँ कितना गुना हुआ, 5/4 गुना, तो ये पैसा 5/4 गुना हुआ, तो यहाँ पर भी 5/4 कब होता, अगर समय बराबर होता वही 5 साल होता, यहाँ पे 10 साल है तो 10 साल का मतलब मैंने लिख के बताया 5 साल प्लस 5 साल, तो 5/4 गुना 5/4 का 5/4, तो पी कोई मूलधन पी था उसका 5/4, ये पहले 5 साल का उससे अगले 5 साल का उसका 5/4 गुना, अब यहाँ पे 15 साल होता तो उसका 5/4 गुना, तो मतलब अब अगली बार ये क्वेश्चन आपके लिए, तो इसका 5/4 गुना 5/4 बराबर हमने मूलधन निकाल लिया 17 गुना, अगली बार ये क्वेश्चन आपके लिए बिना पेंडिंग होना चाहिए, जैसे 3500 2800 देखा तो आपने 0 0 तो कट ही रहे, तो 7 5 35 7 28 मन में दिमाग में 5/4, 5 साल का 5/4 तो 10 साल का 5/4 गुना 5/4, यकीन मानो बेटा क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड अपना आंसर आने लगेगा, बहुत ही कम पेन यूज होगा, बस जो चीजें मैं बता रहा हूँ चीजों को आप लोग यूज करिए, यस और नो, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है, वैसा ही है, इसमें बाद का पूछ लिया, क्या पूछा, देखिए 4800 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 6000 रुपये हो जाते हैं, तो 12 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात करो, यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक दे, अब देखो क्या कहते हैं, 4800 रुपये में 4 साल के बाद 6000, 4 साल के बाद कितना हो गया 6000, ठीक है, अब बोल रहा है
यही पैसा 12 साल के बाद, मतलब यहां से 12 साल का मतलब यहां से 8 साल, यहां से कितना साल, 8 साल। अब ये सवाल दो तरीके से हो सकता है भाई, एक तो दर निकाल सकते हैं इसकी और चार चार साल की दर यूज कर सकते हैं कि 6,000, 4,800, 1,200 रुपए ब्याज बना, और एक अपना जो तरीका चल रहा है उसी चलते हैं और फिर 4 साल के बाद और फिर और 4 साल के बाद निकाल सकते हैं। लेकिन मैं पहले अपने तरीके से बता देता हूँ जो अपना तरीका चल रहा है उसी से। देखो 4,800 से 6,000 हुआ तो ये कितना गुना हो गया, 6,000 बटे 4,800 जो जस्ट अभी सीखा है, चीज हमने 2,000 से 2,000 बट गया 12 बटे 60 तो 5 बटे 4 गुना, तो यहाँ से यहाँ कितना गुना हुआ, 5 बटे 4 गुना हुआ। हाँ यार 5 बटे 4 गुना हुआ, हुआ कि नहीं हुआ 5 बटे 4। और अब मैंने बताया 4,800 रुपये मूलधन ये आपका विसर्जन बना 4 साल के बाद। अब अगले 8 साल के लिए, क्योंकि 12 साल में यहाँ से 12 साल है तो मतलब यहाँ से 8 साल, तो अगले 8 साल के लिए ये मूलधन बने, ये मूलधन बनेगा। और अगले 8 साल के लिए मुझे बताओ अगर समय बराबर होता तो यहाँ पे 5 बटे 4 तो यहाँ पर भी 5 बटे 4 ही होता, लेकिन समय बराबर नहीं है, 8 साल है। और वही बात है हमारे पास कितने साल का गुना है, 4 साल का, तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे, 4 साल प्लस 4 साल आया ना, तो इसका मतलब 5/4 का भी 5/4 इसी क्वेश्चन में यही तो यूज किया, तो सेम ही चीज यूज करेंगे, बस उसमें मूल शुरुआत का पूछ लिया था, इसमें विसर्जन पूछ लिया बात का ना, 5/4 भैया 4 साल का आया और यहाँ पे 8 साल की, तो 5/4 का भी 5/4 क्योंकि दो बार यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भाई 6,000 का क्या 5/4 का भी 5/4। हाँ यार ना क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। अब ये 4 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 1,500, और फिर ये 4 से कट जाएगा तो 15 × 25 लिखूँ इसको मैं, है ना, और 25 × 125 625 तो 15 × 625 ये सुनो, और 15 × 625 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक इट विल गिव यू 625 6,250 और ये हो जाएगा 3,000। 5 से गुणा कर लेते हैं ना, तो 5 से गुणा करोगे 625 को तो आपका आ जाएगा 625 × 5 तो 5×25 = 5×10 और 12×5=31 3, 1, 2, 5 और इसको जोड़ो 5, 7, 3, 9, 9, 3, 7, 5 तो कितना आ गया 9,375 रुपये, कितना आ गया 9,375 रुपये। हाँ यार ना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से देख लीजिए एकदम, देखो वही कंसेप्ट है, बस बात का पूछ लिया तो कंसेप्ट वही यूज करना, मैंने क्या बोला 4,800 रुपए 6,000 रुपए हो रहा है कितने साल बाद, 4 साल बाद, तो वही पैसा 12 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो ये पैसा 4 साल के बाद यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ से यहाँ 12 साल पूछा तो यहाँ से यहाँ तो 8 साल ही हुआ ना, अब यहाँ 8 साल हुआ तो पहले 4 साल में कितना गुना हो गया, यहाँ पे गुना निकालिए 5/4 गुना, तो यहाँ पे 5/4 गुना हुआ तो यहाँ पे 5/4 का भी 5/4 हुआ, क्योंकि यहाँ पे साल कितनी है मेरे भाइयों 8 साल है, कितनी साल है 8 साल है। अब देखो कहीं भी रेट को यूज नहीं कर रहे, दर इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, ये कंसेप्ट दर से भी हो सकता है, वार्षिक भी कर सकती है, 4 वर्ष की रेट को यूज करके भी ये सवाल किया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसको यूज करना, सीधा ही यूज करो 5/4 का भी 5/4 गुना, तो 6,000 का 5/4 गुना कितना आ गया 9,375, जिसका मतलब 12 साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा 9,375। अब उम्मीद करता हूँ बेटा जो मैं कंसेप्ट अभी तक समझाना चाह रहा हूँ कंसेप्ट अभी तक समझ में आ गया होगा बेटा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके जैसा ही। अब देखिए बच्चों एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करेंगे फिर आप सोल्यूशन देखेंगे, कुछ भी नया नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करते हुए पिछले क्वेश्चन जैसे ही बस खाली वैल्यू बदली मैंने, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ₹54,00 becomes ₹72,00 at a certain rate of compound annually in 3 years, then find the amount at the end of 9 years, 5400 रुपए की राशि 3 वर्षों के निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 7200 रुपए हो जाती है, तो 9वें वर्ष के अंत में विसर्जन ज्ञात कीजिए। अब समझो देखो कितने रुपए है 5400 रुपए, तो 5400 रुपए बन गए कितने रुपए 7200 रुपए, कितने साल के बाद 3 साल के बाद, तो बोल रहा है 9 वर्ष कहां से, यहां से 9 वर्ष तो यहां से कितने वर्ष 6 वर्ष, ये कहानी तो एकदम समझ में आ रही होगी आपको, यहां से लेके यहां तक 3 साल में मूलधन विसर्जन दे रहा है 7200 रुपए, और यही मूलधन 9 वर्ष के बाद कितना विसर्जन देगा ये पूछा है, तो ये मूलधन यहां से 3 वर्ष होगा तो यहां से अगले कितने वर्ष बचे 6 वर्ष बचे ना, 3 और 6 हो जाएंगे, और अगले 6 वर्ष के लिए ये जो मूलधन है जो विसर्जन है वो अगले बार के लिए मूलधन बन जाएगा, है ना, तो पहले तो यहां पे निकाल लेते हैं कि इसका कितना गुना हुआ 3 साल में, ना तो कितना गुना हुआ 7200 बटे, साफ साफ दिख रहा है, देखो इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, 0 0 कट रहा है और 18 × 72 = 54 तो 4/3 कितना गुना हुआ 4/3 और ये 4/3 गुना हुआ इसका 4/3 गुना हुआ कितने साल में 3 साल में, और यहाँ पे कितने साल है 6 साल, तो यार वही काम कर रहे हैं 3 साल प्लस 3 साल
है कि नहीं है, 3 साल प्लस 3 साल, और 3 साल प्लस 3 साल है तो 3 साल का 4/3 है, तो उस और 3 साल का गुजरा तो 4/3 का भी 4/3, हाँ है ना, 4/3 का भी 4/3, क्योंकि 2 बार आ गया अब तक, तो एकदम माइंड में एकदम बैठ गई होगी बात बेटा आप लोगों के लिए, और बैठ जानी चाहिए अब तो, 7200 रुपए का 4/3 का भी 4/3, यस और नो, और ये अब कट जाएगा आपका 9, 8, 72 तो 800, और 800 पे 32 गुना 4 8 4 12 12 1800 समथिंग आना चाहिए, देखो 12800 ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, क्या हुआ देखो 7200 आया, 7200 का 4/3 का भी 4/3 आ गया आपका, 4/3 का 4/3 कितना होता है 12800 का पहला ही ऑप्शन है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अब देखो अगली बार एक प्रश्न दिखेगा तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, 5400 और 7200 दिखा तो आपको पता है जो बेटा 18 54 18 72 4/3 गुना हो गया, 4/3 गुना हो गया, और 4/3 गुना हो गया, तो और यहाँ पे 3 साल नहीं है 6 साल है, तो 4/3 का भी 4/3, तो आप सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन लिखोगे इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए, सारी रामायण लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझदार हो, लिखने की जरूरत नहीं, तो 7200 का बच्चे इतनी सी कैलकुलेशन लिखते हैं, 7200 का 4/3 का भी 4/3, बस ये कैलकुलेशन लिख के आंसर आ गया, तभी 10 सेकंड में होता है, तभी आपको इनकम टैक्स या एक्साइज मिलता है बेटा, तो ये बहुत जरूरी है कि किस तरीके से सवाल को कर रहे हो, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे हैं उनमें हमने क्या दिया गया है, मूलधन और मिश्रधन दिया गया है, कोई समय दिया है, और या तो शुरुआत का मूलधन पूछा या बाद का आपसे मिश्रधन पूछा गया है, इस तरीके से पूछा गया, और उसमें 2 कंडीशंस थी, या तो समय बराबर, या तो समय क्या था, देखो शुरुआती क्वेश्चन की उनमें समय क्या था, बराबर था, जैसे 10 साल था तो बाद में 10 साल, 20 साल था तो बाद में 20 साल, या फिर समय उसका मल्टीपल था, जैसे यहाँ पे 3 साल तो यहाँ पे 6 साल, कहीं 5 साल था तो 10 साल था, है ना, तो या तो समय बराबर था या फिर उसका गुणज था, तो हम सीधा यूज कर रहे थे, अब कई लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर अगर समय बराबर भी ना हो और उसका गुणज भी ना हो, जैसे यहाँ पे 3 साल है यहाँ पे 5 साल हो, अलग अलग हो, मल्टीपल हो, तो क्या ये यूज कर सकते, तो नहीं यूज कर सकते, तो किस तरीके से करेंगे, तो आइए एक क्वेश्चन क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग उस पर बेस, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए बेटा एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ₹8,000 इन 2 इयर्स एंड ₹27,000 इन 5 इयर्स फाइंड द प्रिंसिपल, यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 8,000 रुपये बन जाती है और 5 वर्ष बाद 27,000 रुपये बन जाती है, तो मूलधन क्या होगा, क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, देखो मूलधन कोई भी है 2 वर्ष बाद कितनी बन जाती है 8,000, है ना, और 5 वर्ष बाद, यहां से 5 वर्ष मतलब यहां से 3 वर्ष, यहां से कितना वर्ष 3 वर्ष, है ना, और 3 वर्ष बाद कितना बन जाती है 27,000, हाँ यहाँ कोई मूलधन है जो 2 साल बाद 8,000 लग रहा है, वही मूलधन 5 साल बाद 27,000, तो यहां से अगर 5 साल है तो यहां से 3 साल तो होगा, हाँ, और अब ख्याल ये करने वाली बात है, ना तो यहां पर समय बराबर है, ना तो यहां पर क्या बराबर है, समय बराबर नहीं, और दूसरी बात है गुणज भी नहीं है, पहले तो जैसे गुणज आ जा रहा था, पहले वाले का गुणज आ जा रहा था, तो इस केस में बिना रेट निकाले, ध्यान देना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी मैंने बोला कि इस केस में अब बिना रेट निकाले बिना दर निकाले आपका सवाल हो नहीं सकता, आपको दर निकालनी ही पड़ेगी इसमें, और दर निकालने के लिए तो उसने ऑप्शन भी दिया है, देखो यहां से हम मुझे बताओ 8,000 से 27,000 हुआ कितने साल में, भाई पहले मूलधन ये तो ये मिश्रधन, और अगले 3 साल के लिए मूलधन तो ये मिश्रधन आपका, और ये 3 साल का, और याद करो मैंने रेट निकालना सिखाया था बेटा आपको, रेट निकालना सिखाया था इस तरीके से कि 8,000 से 27,000 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या अनुपात हो गया आपका 27,000/8,000 हो गया, 27,000/8,000 हुआ, 3 तो 27/8, और 27/8 का कितने साल है 3 साल, तो इसकी घात कितना 1/3, 27 का 1/3, क्यों, क्योंकि आप साल कितना देखो पहले वाला भूल जाओ, पहले एक बार ये देखिए कि यहाँ पे 8,000 से 27,000 जब हुआ है तो अनुपात क्या 27/8 है, और यहाँ पर 3 साल है इसलिए मैंने बताया था 1/3, वार्षिक दर पिछली क्लास में निकाली इसका 2 साल होता तो वर्गमूल, 3 साल होता तो वर्गमूल, स्क्वायर, तो अब ये कितना आ जाएगा 3/9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2, 27 का 3 होता है, 27 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, सबको पता है, तो मतलब 2 से 3 हो गया, आप समझिए 2 से कितना हो गया 3 हो गया, ये मूलधन तो मिश्रधन एकदम सेम तरीके से मैंने आपको दर निकालने सिखाई थी बेटा, क्लियर है, तो 2 से 3 हुआ तो ब्याज कितना बना 1 रुपये, 1 रुपये ब्याज का, और 1 रुपये ब्याज किस पर बना 2 पर, तो 1/2 मूलधन पे ब्याज लगता है, तो दर कितनी आ गई, वार्षिक दर निकल के आ गई 50%, मैंने क्या बोला बेटा यहाँ पर ना तो समय बराबर है और ना ही गुणज है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना ही पड़ेगा, आपको आपको एक काम करना ही पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा कि दर निकालनी ही पड़ेगी, बिना रेट निकाले आपका काम नहीं होगा, वो भी वार्षिक निकालनी पड़ेगी, और वार्षिक कैसे है कि 8,000 से 27,000 हुआ तो हमें ये मूलधन है ये मिश्रधन है, और 3 साल का समय होता है, तो हम सीधा क्या करते हैं इन दोनों का क्या ले लेते हैं
घनमूल ले लेते हैं, और घनमूल ले लिया तो 2700 का अनुपात क्या हो गया, 3:2 हो गया, और 3:2 हो गया तो पैसा 2 से 3 हुआ, तो ब्याज कितना बना, एक मूलधन 2 तो मिश्रधन आपका 3, प्रिंसिपल 2 तो अमाउंट 3, तो 1 रुपए इंटरेस्ट बना और 1 रुपए ब्याज किस पर बना, 2 पर, तो 1/2 × 100 मतलब कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया, कितना परसेंट आ गया, 50% आ गया, तो रेट आ गया 50%, और ये वार्षिक आई है। अब हम मूलधन निकाल सकते हैं यहाँ पर 2 साल तक, अभी देखो इस मूलधन पर 2 साल तक ब्याज लगा तो 8,000 लगा, तो देखो बहुत सिंपल सा सवाल हो गया, मूलधन निकालना है, दर है आपका 50% मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, उसके बाद में समय कितना है आपका 2 साल, समय आपको 2 साल दे रखा है, तो शुरुआत जैसे सवाल होगा, अमाउंट कितना दे रखा है आपको 8,000 दे रखा है। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, याद होगा आपको, अगर 2 साल है तो नीचे वाले का स्क्वायर ले लो, किस तरीके से मिश्रधन निकालते हैं मैंने आपको तरीका बताया था ना स्टार्टिंग में, तो अब तो नॉर्मल सवाल हो गया ना, दर निकाल लिया आपने, और अब आपको मूलधन निकालना है, टाइम है 2 साल के बाद मिश्रधन आपका 8,000 बन रहा है, या 5 साल के बाद तो आप ले सकते थे, लेकिन क्यों 5 साल का लें, 2 साल का लेंगे और 1/2, तो अब क्या करते हैं उसके लिए, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, तो मूलधन कितना मान लिया मैंने, 4 मान लिया और 4 मान लिया, और 2 साल का अनुपात क्या होता है आपको पता है, 2:1 होता है, 2:1 या फिर आप ऐसे निकालो 4 का 1/4 कितना होता है मुझे बता दो, 4 का 1/2 कितना हो गया 2 और 2 और फिर 2 का भी 1/2 2 का 1/2 कितना हो गया 1, हाँ तो कितने रुपए बन गए, 2 तो 4 और 1 5, तो कितना ब्याज बना 5 रुपए ब्याज, हाँ यहाँ मैंने क्या बोला मूलधन निकालना है, आपको दर 50% दे रखी, तो 1/2 हो गया, टाइम 2 साल है और आपका मिश्रधन 8,000 रुपए बन रहा है, तो मैंने बोला जो नीचे जो नंबर होता है उसका स्क्वायर मानते याद कर लो आप लोग मूलधन, तो मूलधन मैंने 4 मान लिया, मूलधन 4 माना तो 4 का 1/2 2 था 2 बार लिख, हाँ ना, फिर 2 का भी 1/2 2 साल का ऐसे तो निकालते हैं हम लोग, सीधा 2 अनुपात एक यूज कर सकते हो, 5 रुपए ब्याज बना कितने मूलधन पे 4, तो मिश्रधन कितना बनेगा 4 और 1 ये कितना हो गया 9 हो गया, हाँ ना, 4 रुपए पर 5 रुपए ब्याज, 4 रुपए पे 5 रुपए, तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है मिश्रधन, तो 9 रुपए, और मिश्रधन वैसे कितना बन रहा है 8,000, तो 9 बराबर कितना 8,000, तो 1 बराबर कितना 8,000/9, हाँ 1 बराबर कितना 8,000/9, और मूलधन कितना माना था मैं 4 तो 4, तो ये कितना हो जाएगा 32,000/9, और ये कितना हो जाएगा आपका 35, इसको काटोगे तो 9 आपका 9 × 36 होता है, 9 × 27 और 9 × 27 हो गया, और कितना बचा 5×50 तो आपका हो जाएगा 9×45 फिर 9×45 फिर 9×45 और 3.35.55 के आसपास, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा बेटा। देखो फिर अब देख लो, बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार देखो, इसमें समय बराबर नहीं था लेकिन टफ नहीं था, मूलधन पी था, 2 साल बाद कितना बन गया 8,000 बन गया, और वही पैसा 3 साल और 5 साल के बाद 27,000 बन गया, यहाँ से यहाँ 3 साल हुआ, और यहाँ से यहाँ 3 साल हुआ मतलब 8,000 से 27,000 होना, तो आपको यहाँ से हम लोग क्या निकालनी पड़ेगी, दर निकालनी पड़ेगी, तो दर निकाली हमने, वार्षिक दर निकाली, 2/3 आ गया, घनमूल ले लिया, तो 2 से 3 हुआ, तो 1 रुपए ब्याज, 1 रुपए ब्याज दोगे तो 50%, तो यहाँ से पहले तो हमें दर निकल के आगे कितना परसेंट आ गया 50% आ गया, दर 50% आ गया, तो हमें यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ कि पी निकालना है, रेट 50% है, टाइम 2 साल है, और 2 साल के बाद जो मिश्रधन बन रहा है 8,000 बन रहा है, अब 50% का मतलब होता है 1/2, और मैंने यहाँ से कैसे निकालना सिखाया था आपको अच्छे से याद होगा, नीचे वाला नंबर 2 होता है, तो 2 का आप लोग गोबर से तो स्क्वायर ले लेते हैं, तो 4 मान लिया, और 4 मान लिया तो 4 का 1/2 2 तो 2 बार लिख लिए पहले दूसरे साल, फिर 2 का भी 1/2 2 बार लिख लिया, तो 2 तो 4 और 1 5, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना बन गया आ गया आपका 5 रुपए, 5 रुपए ब्याज और 4 रुपए मूलधन, तो मिश्रधन कितना रुपए बना 9 रुपए, और वैसे मिश्रधन कितना दे रखा है 8,000, तो 9 बराबर 8,000, तो 1 बराबर 8,000/9, 1 बराबर 8,000/9, और मूलधन कितना था 4 तो 4 कर देंगे तो मतलब और ना ही समय उसका पूरा पूरा गुणज बन रहा है, तो उसके इसमें क्या निकालनी पड़ेगी बेटा आपको दर निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले हमने दर निकाला और फिर उसके क्वेश्चन को यूज किया, तो देखो कितना प्यार से, अब इसके अलावा इसमें कोई वैरायटी बन नहीं सकती आपके लेवल पे, चाहे SSC का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे कोई और बंडे एग्जाम आप बैंकिंग का ले लो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस है, रेट को यूज करके, बिना रेट को यूज करके किस तरीके से किया, और अगर टाइम बराबर है, टाइम उसका गुणज है, तो रेट को यूज करके कर लिया, बिना रेट को यूज करके किया और टाइम बराबर नहीं है, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, रेट को निकालना ही निकालना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।